वेलकम टू यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस। आज मैं कृषि अभियंत्रण, हाइड्रोलिक्स और सिंचाई से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इनको मैं एक लाइन में ही इनका आंसर लेकर आया हूं, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, साधारण ऊंचाई से पानी उठाने वाली अपकेंद्रीय पंप साधारणतया होते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों? तो यह है नंबर एक, बहुचरणी पंप भी हो सकते हैं, और दूसरा है गहरे कुएं में भी प्रयोग इनका किया जाता है, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न नंबर टू है कि एक अपकेंद्रीय पंप के अंदर द्रव्य प्रवेश करता है, कहां से प्रवेश करेगा? तो ये आपकी इंपेलर के आंख से जो है प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर तीन है कि एक अक्षीय प्रवाह पंप अधिक मात्रा में पानी निकालती है, कब निकालेगी? जब कम हेड पर हो। चौथा है, एक अपकेंद्री पंप जो कि कीचड़ में प्रयोग में लाया जा रहा है, उसमें किस प्रकार का इंपेलर प्रयोग में लाते हैं? तो उसमें दोस्तों दोनों ओर खुला हुआ इंपेलर प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि जो है कीचड़ जो रहता है तो उसमें कीचड़ निकालने में सुविधा रहती है, अगर बंद इंपेलर रहेंगे तो उसमें फंस जाएगा। प्रश्न नंबर पांच है कि दलदल क्विक सेंड अवस्था है, तो ये भाव की अवस्था है। प्रश्न नंबर छह है दोस्तों कि अपकेंद्री पंप को चलाने से पूर्व उसमें पानी भरने की प्रतिक्रिया कहलाती है, तो होता है पंप की प्राइमिंग करते हैं, मतलब जो सक्शन वाला आपका शीर्ष होता है उसमें उसको निर्वात बनाते हैं, मतलब उसमें पानी डाल के क्या है ईयर को पूरा निकालते हैं जिससे जो है पानी उठाए, इसलिए प्राइमिंग कहलाता है इसको, पंपिंग प्राइमिंग। प्रश्न नंबर सात है दोस्तों कि नोडल प्रोपेलर पंप का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो कम शीर्ष एवं अधिक निस्तरण, मतलब सक्शन जो है आपका कम हो और निस्तरण जो है ज्यादा हो। आठवां है कि अपकेंद्री पंपों के मुख्य इंपेलर में बेनस की संख्या हो सकती है, तो ये आपका 3 से 12 होती है। बेनस मतलब जल, ये अपकेंद्री हो गया आपका, ये इंपेलर हो गया, इसमें जो ये होते हैं वो दोस्तों ये, इसको वेनस बोलते हैं, तो ये 3 से 12 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर की पंप की मध्य लाइन से उर्ध ऊंचाई जहां तक पानी द्वारा पंप द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है उसको कहते हैं, तो उसको निस्तरण शीर्ष कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पंप लगा है और आपका पानी यहां निकाल रहा है, यहां ये है पाइपलाइन, तो यहां से ये जो ऊंचाई होगी ये आपका निस्तरण शीर्ष कहलाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि छलनी द्वारा अनाज को जिस आधार पर पृथक किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आकार के हिसाब से ही, क्योंकि आकार जिस साइज की छलनियां होंगी उस साइज का जो है निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आकार आकार जो है आकार के आधार पर उनको पृथक किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि पीटाट नली क्या मापने की एक साधारण उपकरण है, तो ये भाव का वेग जो है निकालता है। प्रश्न नंबर 12 है कि कॉमर्शियल रोटरी ड्रमर में ड्रम की लंबाई होती है, तो ये आपका 3 से 6 मीटर तक होती है। प्रश्न नंबर 13 है कि ऑरिफिस मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑरिफिस मीटर का दोस्तों पाइप में बहाव मापने के लिए किया जाता है। 14 है कि एक पंप द्वारा वह गहराई जहां से द्रव को ऊपर लाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे चूसर शीर्ष या सक्शन शीर्ष भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि हाइड्रोलिक रेम है, तो ये एक प्रकार का इंपल्स पंप है, एक इंपल्स पंप है। प्रश्न नंबर 16 है कि उथले नलकूप तथा गहरे नलकूप में अंतर किस आधार पर होता है, तो उसमें जलदायी स्तर की गहराई नापने पर जो है किया जा सकता है। ठीक है, उथला कुआं जो रहेगा दोस्तों उसमें जल जो है ज्यादा लेवल पर रहेगा, और जो निचला कुआं रहेगा उसमें जो है कम पे रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है कि अपकेंद्री पंप की ब्रेक अश्वशक्ति का सीधा संबंध है, तो इंपेलर की गति के घन से जो है इसका संबंध होता है। प्रश्न नंबर 18 है कि सिंचाई जल का भू सतह से मृदा में संचलन कहलाता है, तो वाटर इंटेक कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 है कि निकास नली अंतराल ज्ञात करने में प्रयोग होने वाले होग आउट समीकरण की प्रकृति है, तो इल्टीपिकल है, प्रकृति हो जाए इल्टीपिकल। प्रश्न नंबर 20 है कि पानी के प्रवाह का वेग नापा जाता है, तो करंट मीटर द्वारा नापा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है कि एक घन मीटर में कितने लीटर के बराबर होता है, तो एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है।
प्रश्न नंबर 22 है कि भारत में सिंचित भूमि है, तो आपका 22% भारत में सिंचित भूमि है। प्रश्न नंबर 23 है कि एक घन मीटर कितने से घन सेंटीमीटर होता है, तो ये 10×10^6 या आप लिख सकते हैं 1,000,000। 1,000,000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन मीटर के होता है। 24 है कि प्रणाली का समीकरण निम्न में लागू होता है, तो आपका घर्षण रहित स्थिर जो है स्टडी बहाव में जो है प्रणाली समीकरण लागू होता है। प्रश्न नंबर 25 है कि एक पाइप में घर्षण शीर्ष ह्रास समानुपाती होगा, तो आपके पाइप की लंबाई के जो है समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 26 है कि क्यूरिंग के कितने दिनों बाद कंक्रीट में पूरी शक्ति का लगभग 90% प्राप्त होता है, तो 28 दिनों बाद प्राप्त होता है 90%। प्रश्न नंबर 27 है एक आर्किमिडियन स्क्रू प्रयोग किया जाता है, तो आर्किमिडियन स्क्रू दोस्तों पानी उठाने का एक यंत्र है। प्रश्न नंबर 28 है कि अधरतल निकास नालियां निष्कासित करती हैं, तो ये आपका गुरुत्व जलीय निष्कासित करती हैं। 29 है कि सिंचाई के दौरान अंतः स्यंदन दर, तो ये आपका कम होती है। प्रश्न नंबर 30 है कि वह कुएं जिनमें पानी का स्तर भूजल स्तर वाटर टेबल पर बना रहता है, तो आपका अनुसूत जल कहलाता है, जिसे अनकन्फाइंड जो है ये कूप भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।